हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन ऑफ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास थर्ड ग्रेड 3 चैप्टर 1। चैप्टर नेम है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल मीन्स होता है छोटा सा। यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है, इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टिनी शीट्स। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी लाइफ भी एक टिनी शीट से स्टार्ट होती है। शीट मीन्स होता है बीज। रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग। हम इस पोएम में देखेंगे जो एक छोटा सा एकॉर्न, एकॉर्न मीन्स बीज, वो धीरे धीरे बड़ा कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेट एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। एकॉर्न मीन्स बीज। जो एकॉर्न है वो क्या बोलता है कि मैं स्लोली स्लोली मीन्स मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ जब वो जमीन के नीचे होता है। ओके, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। फिर वो बोलता है कि मैं डेली इम्प्रूव कर रहा हूँ, यानी रोज मैं बड़ा हो रहा हूँ पर मैं जमीन के नीचे छिपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। फिर वो कहता है कि मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ और मैं धीरे धीरे पानी की एक एक बूंद को पीता जा रहा हूँ। सिप्ड मीन्स होता है पीना और ड्यू मीन्स पानी की बूंद। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा है, डाउन वर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेट लाइक रूट अप इन द एयर स्प्रैंग अ टिनी शूट। फिर वो कहता है कि जब मैं नीचे की तरफ होता हूँ तो जो मेरी रूट मीन्स जो मेरी जड़ है वो धागे की तरह बड़ी होती है, और जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो जो मेरे पेड़ का तना है वो तना बन जाता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। और फिर दिन भी गुजरते हैं और धीरे धीरे साल भी गुजर जाते हैं और उस जो छोटा सा बीज था वो धीरे धीरे पौधा बन जाता है और उस पौधे में पत्तियां भी आने लगती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। फिर जब बहुत टाइम बीत जाता है तो उस पेड़ में टहनियाँ भी आने लगती हैं और वो टहनियाँ धीरे धीरे बड़े होकर इधर उधर टहनियाँ फैलने लगती है। फिर एक टाइम आने के बाद क्या होता है, जो वो छोटा सा जो पौधा था वो एक बहुत ही पावरफुल ओक ट्री बन जाता है, और वो पावरफुल ओक ट्री बनने के बाद वो जंगल में प्राइड मीन्स जंगल में वो गर्व के साथ खड़ा रहता है। ओके, तो इतनी सी हमारी पोयम। इस पोएम में हमने कई सारे न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे कि है हिडन। हिडन मीन्स होता है छुपा हुआ। स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स सीधा। माइटी, माइटी मीन्स शक्तिशाली पावरफुल जिसे हम बोलते हैं। ब्रांचेस, ब्रांचेस मीन्स टहनियाँ। प्राइड, प्राइड मीन्स गर्व। इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मीन्स सुधार होना। सिप्ड, सिप्ड मीन्स पीना, पानी पीना। ओके, शूट, शूट मीन्स हम इसे एक भाग बोल सकते हैं या फिर पार्ट बोल सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। रीडिंग इज फन। इसका क्वेश्चन वन है, नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू। जो एकॉर्न मीन्स जो बीज था वो बड़े होने के बाद वो कौन सा ट्री बनता है, हमें उस ट्री का नेम लिखना है। तो आंसर लिखेंगे हम ओक ट्री। ओके, क्वेश्चन टू है, व्हाट थिंग्स डज अ शीट नीड टू ग्रो। शीट मीन्स बीज। बीज को ग्रो होने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम इसका आंसर लिखेंगे अ शीट नीड्स सॉयल, मॉइस्चर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। आप इस पोएम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो हम इसका आंसर लिखेंगे वी कैन फाइंड फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखेंगे हम लिटिल, मॉसी, ईच, डीप, टिनी, स्लेंडर एंड माइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है टॉक टाइम। इसका क्वेश्चन वन है, लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड फोर थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट दैम। यहाँ पे आप हमारे पास टू पिक्चर्स हैं, ये टू पिक्चर्स ट्रीज की हैं, तो हमें इन टू पिक्चर्स को देखना है और हमें बताना है कि इन टू ट्रीज के बीच क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के बारे में हमें अपने फ्रेंड को बताना है कि इन दो ट्रीज के बीच
क्या क्या डिफरेंट है। तो हम लिखेंगे, हमें बताना है, तो हम किस टाइप से बोलेंगे। हम बोल सकते हैं कि ट्री ए इज़ हैप्पी व्हाइल बी इज़ सैड, और क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम बताएंगे ट्री ए इज़ गेटिंग एवरीथिंग दैट इट नीड्स टू ग्रो प्रॉपरली व्हाइल ट्री बी इज़ नॉट गेटिंग दीज थिंग्स। और हम इस टाइप से और क्या बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं ट्री ए इज़ एबल टू गिव अस सेवरल यूजफुल थिंग्स एज शोन इन पिक्चर वन, व्हाइल ट्री बी इज़ नॉट एबल टू गिव अस एनीथिंग। और क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम देखते हैं वन कैन ब्रीथ फ्रेश एयर अंडर ट्री ए बट नॉट अंडर ट्री बी। ओके, तो इस टाइप से जो भी हमने इनके बीच डिफरेंस देखा तो हम इस टाइप से बता सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, लेट्स राइट। द क्वेश्चन वन है, लुक एट पिक्चर वन, राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। हमें जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर देखी थी टू ट्रीज की, हमें फिर एक और बार हमें पिक्चर वन को देखना है और हमें बताना है कि ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। तो हम पिक्चर देखेंगे, पिक्चर वन हमने देखी, तो अब हमें लिखना है कि ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर वन लिखेंगे हम, द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। फिर इसके बाद लिखेंगे हम, दे गिव अस फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और लास्ट लिखेंगे हम, दे गिव अस वैल्यूएबल थिंग्स। ओके, इसके बाद क्वेश्चन टू है, नाउ लुक एट पिक्चर टू, राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। इसके बाद हमें पिक्चर टू देखना है और हमें बताना है कि हम ट्रीज को कैसे हार्म करते हैं, कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, और हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम पिक्चर टू देखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि हम ट्रीज को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं, कैसे उन्हें हार्म करते हैं। नंबर वन पे हम लिखेंगे, वी कट वुड फ्रॉम ट्रीज फॉर आवर नीड्स। इसके बाद सेकेंड नंबर पे लिखेंगे हम, वी कॉज पॉल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज। और लास्ट लिखेंगे हम, वी फोर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गो अवे बाय कटिंग ट्रीज। ओके, इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री। ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे दिए गए हैं ये ट्रीज के पार्ट्स हैं, राइट देम इन द गिवन स्पेस। और हमें यहाँ पे जो यहाँ पे स्पेस दिया गया है, हमें इन सारे वर्ड्स की हेल्प से हमें यहाँ पे सेंटेंसेस मेंशन करने हैं। तो हम जैसे करेंगे, पहला है स्टीम, इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड अपराइट। ओके, सेकंड है बार्क, तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आउटर कवरिंग, कवरिंग मींस जो ब्राउन कलर्ड का जो उस पर कवर होता है उसके बारे में बात हो रही है, आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री उसे बार्क बोलते हैं। लीव्स, इसका सेंटेंस है, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री। इसके बाद है ब्रांच, एन आर्म लाइक पार्ट ऑफ अ ट्री दैट बेयर लीव्स। ओके, फिर है ट्विंग्स, स्मॉल शूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच और स्टेम। फिर है रूट, रूट मीन्स होता है जड़, पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री दैट ग्रोज इन टू द अर्थ। फिर है शूट, अ यंग ब्रांच और न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ओके, तो ये थे हमारे ट्री के डिस्क्राइबिंग पार्ट्स। इसके बाद लास्ट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, मैच द अपोजिट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें इन वर्ड्स को इनके अपोजिट से मैच करना है। जैसे यहाँ पे माइटी का मैच हो रखा है, माइटी मीन्स होता है पावरफुल, तो पावरफुल का मैच, पावरफुल का अपोजिट है वीक, तो इसे हमने वीक से मैच किया है। इस टाइप से हमें और भी वर्ड्स को उनके अपोजिट से मैच करना है। तो हम करेंगे, पहला है डाउनवर्ड, तो इसको मैच करेंगे हम वर्ड से। ओके, फिर है स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, तो इसको मैच करेंगे हम फास्ट, स्लोली का अपोजिट फास्ट, लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा, तो इसे मैच करेंगे हम बिग से, स्लेंडर, स्लेंडर को मैच करेंगे हम फैट से, माइटी यहाँ पे मैच हो रखा है पहले से, लास्ट है डे,
डे का मैच करेंगे हम नाइट से. ओके ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. आपको ये पोएम अच्छे से लर्न करनी है और जितने न्यू वर्ड्स हमने इस पोएम में पढ़े हैं आपको वो भी अपने नोटबुक में मेंशन करने हैं, और जितनी हमने एक्सरसाइज करी आपको वो लर्न भी करनी है और अपनी एनसीईआरटी बुक में फिल करनी है. ओके थैंक यू.